अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ का पीरियड है? इस्लामियात का। इस्लामियात की बुक को खोल दे सब बच्चे। कल मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था और हम लोगों ने सबक नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हमें नबी पाक के बारे में बताया गया था। आज हम लोग सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, यानी कलमा तैयबा। कलमा तैयबा हमारा कौन सा कलमा है? पहला कलमा। अल्लाह ताला ने कितने कलमे भेजे हुए हैं? 6 कलमे। तो 6 कलमे में आज हम लोग पहला कलमा पढ़ेंगे। चलो हम सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब ने पढ़ लिया? चलो अभी मिलकर पढ़े सब सब बच्चे पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी सब ने कलमा पढ़ना है। इस कलमे से हम लोग मुसलमान होते हैं। मुसलमान ने पहले 6 कलमे सब ने याद करने हैं। तो आप लोग छोटे बच्चे, आज आप लोगों ने पहला कलमा याद करना है। इसी तरह मैं आप लोगों को बाकी कलमे भी याद करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है। तो जब सब मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलल्लाह। ठीक है, जो भी मुसलमान हैं उनको ये पहला कलमा यानी सबको आना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो आप लोग बच्चे हो, पहले आप लोग पहला कलमा याद कर लें, बाकी कलमे जो हैं वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को याद करवा लूँगी। अभी आप लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है कलमा, वही कलमा जो पहला कलमा हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग इसको कलर दे दें। आप लोगों ने घर जा के पहला कलमा भी याद करना है और इसको याद भी करना है, याद भी करना है और इसको कलर देना है। तो ठीक है, आज आप लोग पहला कलमा याद कर लें। इस्लाम में कितने कलमे हैं? 6 कलमे हैं। तो आज आप लोग पहला कलमा याद कर लें, कल हम लोग बाकी कलमों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक आहिस्ता हम लोग एक एक कलमा याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।